हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ऐसा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हमारे घर का कुछ ऐसा सीन है और कितना अच्छा लग रहा है। हरियाली है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और धान कितना प्यारा लग रहा है, कितने बड़े हो चुके हैं। फ्रेंड, मैं आगे आगे जा रही थी पूजा करने, और पीछे से मेरी लड़की ने वीडियो बनाया है और बना तो नहीं पाई है, फोन को हिला रखी है, इधर उधर फोन कर रखी है, उसको वीडियो बनाना मैं आगे जा रही थी। बेटी ने मेरा वीडियो बना रखी है। मैं मंदिर में देखिए प्रवेश कर चुकी हूँ। मेरी ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय। ये हमारे मंदिर के पीछे का है बाउंड्री, और परी खेल रही है बाउंड्री पे चढ़ के। ये हमारे बालाजी का मंदिर है, देखिए फ्रेंड, पूरा बालाजी का मंदिर। और परी मेरी बाउंड्री पे खेल रही है, अब आगे आ गई है तो हम आ रखे हैं आज इधर। बहुत दिनों के बाद आए तो अच्छा लगा हमें। और यहाँ पर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी है, बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे पीपल का, तो हम अक्सर आते हैं, पूजा करते हैं हमेशा। देखिए पेड़ आप देख सकते हैं दोस्त। और ये हमारे काली मैया का मंदिर के गेट है, इसी मंदिर से हम जाते हैं अंदर और पूजा करते हैं। काली मैया का गेट इधर से है और बालाजी का गेट उधर से है। मंदिर है एक ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे बना रखे हैं, देखिए। और ये हमारे मंदिर के पीछे का खेत है, और खेत कितना अच्छा लग रहा है, धान हरा भरा बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे धान और आम के पेड़ भी आप लोग को दिख रहे हैं, और चरी है, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें है बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, चारों तरफ हरेला हरेला दिख रहा है, आप लोग को देख सकते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पार मंदिर है हमारा, अक्सर यहाँ आया करते हैं। तो उसी तरीके से मैं आई तो मैंने कहा कि मथा टेक लेती हूँ काली मैया के दरबार में, जब आ ही गई हूँ तो मथा टेक लेती हूँ, तो इसलिए मैं काली मैया के मंदिर में गई हूँ मथा टेकने। और मेरी परी भी गई है मेरे साथ साथ, परी भी काली मैया के दरबार में और मथा टेक रही है, पैर पड़ रही है। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड जब एक बार इंसान पूजा कर लेता है, तसल्ली मिल जाती है, सुकून मिलता है पूजा करने से। तो फ्रेंड इसलिए हमने सोचा दोपहर तो था, अब आ ही गए हैं तो मथा टेक लेते हैं, इसलिए मथा टेकने चले गए मंदिर के अंदर। यहाँ पे देखिए ये हमारे मंदिर का कुछ बहुत बड़ा बाउंड्री हुआ पड़ा है, लेकिन मंदिर में कुछ छोटे छोटे और सारे स्थान बनाए हैं माता लोगों का। और यहाँ पे शिवलिंग है, और मैं यहाँ पे अक्सर भोलेनाथ का पूजा करते हैं, और मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ।
फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये मंदिर है और वहाँ पे मैं जा रही हूँ। डी बाबा डिवारी माँ बने हैं वहाँ पर, कहा जाता है वो पूजा करा जाता है वहाँ पे। और मैं कई स्थान हैं, 7 स्थान बनाए हैं 7, और यहाँ पे पूरी बाउंड्री बहुत दूर तक है, बड़ा है। और यहीं पर हम लोग अपना छठ पूजा मनाते हैं। और ये देखिए खूब बड़ा सा पीपल का पेड़ है, यहाँ पे कभी गर्मी नहीं लगती है। अक्सर आके यहीं पे हम बैठते हैं माँ के दरबार में, तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे जय भोलेनाथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गंदा पानी बरसात की वजह से हो गया है, लेकिन उसमें पानी साफ हमेशा भरा जाता है। और पूजा करते हैं, छठ पूजा भी यहाँ ही मनाते हैं हम लोग छठ पूजा। और यहाँ पे देखिए पूरा बाउंड्री के किनारे किनारे सीन ले रखे हैं हम लोग, कुछ ऐसा है देखिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस समय, धान की निराई उराई चल रही है तो लोग बहुत खेत में भी नज़र आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। और हमने सोचा एक वीडियो शूट कर लें, जब आ ही गए हैं तो कितना अच्छा सीन है। ये मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ आई है, तो ये भी मंदिर में घूम रही है। मैंने कहा चलो बेटा मंदिर घूम के आते हैं। और ये है देखिए हमारे घर का रास्ता, हरा कितना अच्छा लग रहा है। आ रहे हैं हम लोग, जैसे कि मैंने पीछे कहा है आप लोगों से, तो पूरी बरसात हुआ पड़ा है तो चारों तरफ पानी पानी हुआ पड़ा है। और हमारे उधर तो बरसात में बहुत पानी भर जाता है, अभी तो कम है लेकिन बहुत पानी भर जाता है यहाँ पे। तो इसलिए हमें बच्चों को भी इधर उधर जाने नहीं देते हैं, बच्चों का भी डर रहता है, पानी बहुत है और गड्ढे भी हैं, तो इसलिए आते हैं मंदिर घूमने तो बच्चों के साथ लाते हैं और साथ ही ले जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं हम लोग। चाचा छुप गया है। तो परी मेरी अभी तक यहाँ पे खेल ही रही है, खेल लेगी तो फिर लेके आ जा। घर में अंदर बच्चे रहते हैं तो बोर होते हैं, इस वजह से हमने सोचा थोड़ा टहल लें, और बारिश थोड़ा बहुत हो ही रहा था तो मैं सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। ये देखो फ्रेंड मेरी परी क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। देखो फ्रेंड क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ाई क्या लिख रहे हो? बोला है। इसकी मौसी आई है तो इसके मौसी ने काम दिया है लिखने के लिए, तो कह रही है मैं आई लिख रही हूँ। तो फ्रेंड मेरी लड़की अब पढ़ने लग गई है, अब लग रहा है कुछ स्कूल भी जाएगी अब। तो देखिए ये बिस्तर को कैसे बिखेर रखी है, तकिया लगा के खेल रही थी वो। और बोलो परी, चाचू लोग नमस्ते, अंकल लोग नमस्ते, कैसे हैं बुआ लोग नमस्ते, बोलो। चाची लोग नमस्ते, बुआ नमस्ते, मम्मी लोग नमस्ते। मम्मी लोग कितनी है भाई मेरी परी की, कितनी मम्मी? आंटी लोग को मम्मी कह रही हो, चलो सॉरी बोलो, कह दो सॉरी आंटी लोग नमस्ते, बुआ लोग नमस्ते। पे देखो मेरी परी बहुत शैतानी करती है फ्रेंड, थोड़ा इसको कमेंट में समझाइएगा। और देखो कैसे कर रही है, कर पढ़ाई। अरे तो उसने तो पढ़ाई कर लिया, उसने तो इंटर फाइनल कर लिया, अब कर रही है पढ़ाई, वो तो करती है टाइम से, अब तू करना, तो छोटा बच्चा है। हाँ तो पढ़ाई कर। देखो फ्रेंड और इतनी शैतानी कर रही है रात के, ये कल दिन में भंडारा था कहीं तो, और बच्चों ने सुन लिया था और सब गए भी थे बच्चे भंडारा खाने, और उन्होंने आके कह दिया कि हम तो आज भंडारा खाने गए थे। तो मेरी परी मेरे से खूब लड़ाई की है, गंदी बच्ची बन गई है, खूब शैतानी की है। रात के 10 बजे रात को ये तैयार हो के रुमाल लेके पड़ोस वालों बच्चों के घर गई थी और कह रही थी कि चलो भंडारा खाने। फिर मैंने इसके लिए
इसको बुलाई, मैंने कहा कि आ जाओ बेटा भंडारा खाने, बाद में जाएंगे और कभी भंडारा होगा तो मैं ले चलूँगी, बात माना करते हैं मम्मी का। तो फ्रेंड इसको देखो, फ्रेंड पूछ रही है अभी कहाँ भंडारा है, तो बताइए मैं इसको ऐसे कहाँ बता दूँ कि इसको कहाँ भंडारा है। और इसे भंडारा खाना बहुत पसंद है और घर में तो कुछ खाती नहीं है, मुझे लगता है भंडारे के ही भरोसे रहती है ये। और रात के 10 बजे रात को तैयार होकर पड़ोस के घर गई थी भंडारा खाने, मैं पकड़ के ले आई, फिर मैंने पूड़ी बनाई, मैंने कहा कि ले पूड़ी और सब्जी खा लो बेटा, भंडारे में तो यही बनता है, अब तुम्हें मैं आपके लिए घर पे बना दिया है भंडारा, आप खा लो। तो इन्होंने खाया और फिर सुबह उठी हैं सो के, तो सीधे सो के उठी हैं और सीधे कह रही हैं कि मम्मी भंडारा खाने जाना है, तो मैं कहाँ ले जाऊँ इनको भंडारा खाने के लिए समझ में नहीं आ रहा है। अब जा रही हूँ सेवई पूड़ी बनाऊँगी और भंडारा में अपने परी के लिए करूँगी।